हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो हमारा देश भारत टूटा हुआ है। यह अच्छा मैसेज जाता है सरकार की तरफ से कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे मैसेज जाते हैं, लेकिन उसका कितना कार्यान्वयन होता है यह समझना जरूरी है। और हम तो कितनी जगह टूटे हुए हैं, हम भाषा के नाम पे बटे हुए हैं, हम धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, हम क्षेत्र के नाम पर बटे हुए हैं, हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं। तो हर जगह भारत टूटा हुआ दिखता है। और जब यह टूट हमें दिखाई देती है, जब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हम कितनी जगह टूटे हुए हैं, तो देश के प्रति जो भक्ति की भावना होती है, जो सहज भक्ति की भावना होती है, उसको ठेस पहुंचती है। और अभी जो वर्तमान सरकार है वह देशभक्ति का नारा देती है, बहुत अच्छी बात है, देशभक्ति का नारा देना भी चाहिए। और देश के प्रति हर इंसान को, जो भी नागरिक है उस देश का, उसे वफादार भी होना चाहिए। लेकिन देश के जो राजनेता हैं, अगर वे सही संदेश देते हैं तो अब हमें बल मिलता है और हमें लगता है कि हमारा देश सही दिशा में जा रहा है। लेकिन यह संदेश अगर सही नहीं जा रहा है, संदेश सही जाने का अर्थ होता है कि सरकार सख्त कदम उठाती है कि नहीं, अगर देश को तोड़ने वाली बात जो करते हैं। और हम देखते हैं कि एक कॉमन मैन जो होता है, अगर वह कुछ फेसबुक पे लिख देता है, या जैसा कि महाराष्ट्र में दो बच्चियों ने लिख दिया था, तो तुरंत पुलिस एक्शन हो गया। लेकिन हमारे देश में कितने ही राजनेता हैं जो बहुत सारी बातें ऐसी कह देते हैं जिससे देश के सम्मान को ठेस पहुंचती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है और वह समाचार बनकर रह जाता है। और आजकल मीडिया वाले भी, तो उनकी दीवानगी की क्या बात कहें। और सारे मीडिया वाले जो वर्तमान सरकार हैं, उसी के आगे पीछे चलते रहते हैं, क्योंकि उनकी भी परेशानी है कि उनको जो एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, और इसीलिए वे सरकार की तरफदारी करते रहते हैं। हाँ, एक दो जगह पे वे तरफदारी नहीं करते तो वो दिखा देते हैं कि नहीं, अभी भी पत्रकारिता भारत में जिंदा है। तो वह दिखाने के लिए केवल होता है, लेकिन उनकी भी लाचारी है, वे करें तो क्या करें। तो हमारा देश दोस्तों आज बिखरा हुआ पड़ा है, टूटा हुआ पड़ा है। हम देश की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन देश तभी तरक्की करता है जब कॉमन मैन, वहाँ का एक सामान्य नागरिक खुश होता है। और यदि सामान्य नागरिक खुश नहीं है तो फिर देश की प्रगति की बात हम कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए सामान्य नागरिक के चेहरे पर अगर हंसी नहीं है तो देश तरक्की नहीं कर रहा है। भले ही हमारी ब्यूरोक्रेसी कितने ही आंकड़े दे दे, और आंकड़े तो आजकल के ज़माने में बनाए जाते हैं, और लोगों के मन में यह बात बिठा दी जाती है कि सरकार बहुत आगे बढ़ रही है। भारत की आज़ादी को 70 से भी अधिक वर्ष हो गए, लेकिन क्या वाकई में हमने तरक्की की है? हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबों ने अपनी पार्टी से ऊपर उठकर सोचा ही नहीं। और अगर किसी ने सोचा तो मुझे लगता है कि श्री मोरारजी देसाई, जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, बहुत ही बुलंद प्रधानमंत्री थे और सशक्त थे और कदम उठाना जानते थे सख्ती से। लेकिन उनकी सरकार भी गिर गई क्योंकि सपोर्ट उनका गिर गया। तो इसीलिए एक वही प्रधानमंत्री रहे जो जानते थे कि देश को किस दिशा में ले जाना है, और कॉमन मैन जो है वह खुश है कि नहीं। ऐसे तो प्रधानमंत्री हमारे देश में आते रहे जाते रहे, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि अपनी पार्टी, अपने दल के ऊपर होकर उन्होंने सोचा ही नहीं। एक कॉमन मैन की जगह अगर राजनेता अपने को रख कर सोचे तो उन्हें पता चलेगा कि कॉमन मैन, जो सामान्य नागरिक है, वह कितनी मुश्किलों से गुजरता है। तो हमारे भारत का विभाजन हो गया 1947 में, और जैसा कि जानकारी मिलती है बहुत सारे माध्यमों से, तो उसकी नींव रखी थी सर सैयद अहमद खान ने। और उसके बाद मुस्लिम लीग बना, और उसके बाद बहुत सारे नेता आए, जिन्ना साहब आए,
फिर धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ और गांधी का इसमें कितना योगदान रहा वह विवाद का विषय है और हमारा देश बट गया। और ये जो महत्वाकांक्षा जो राजनेताओं की होती है कभी कभी वह इतनी ज़्यादा हो जाती है कि देश के ऊपर भी वे अपने आप को सोचने लगते हैं और हमारे राजनेताओं के कारण ही देश बट गया। हम नेहरू को कहें या जिन्ना को कहें ये विवाद का विषय है, लेकिन बात है कि हमारा देश बट गया। और क्या हुआ कि हमारे देश में लाखों लोग इस पार सीमा के इस पार और सीमा के उस पार उनकी जान चली गई, कितने जगह कत्लेआम हुआ, कितने जगह दंगे हुए और देश तमाशा देखता रहा, राजनेता अपनी गद्दी पे बैठे रहे और कुछ भी तो नहीं हुआ, लोगों की जान चली गई। और उस पर कितनी भी फिल्में, कितनी हिंदी फिल्में भी बनी उस विषय पर, तो इस तरह हमारा देश टूटा और लाखों लोग मारे गए। बस महत्वाकांक्षाओं की जो उड़ान होती है यदि वह नियंत्रण में नहीं रहे तो फिर इंसान अपने विषय में ही सोचता है, उसे और कुछ भी दिखाई नहीं देता, न उसे अपना परिवार दिखाई देता है, न उसे अपना समाज दिखाई देता है, न उसे अपना देश दिखाई देता है। और इस तरह हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया। हमारा देश कितना प्यारा, हमारा हिंदुस्तान था, लेकिन हमारे देश में सिखों ने अलग देश की मांग नहीं की, ईसाइयों ने देश की अलग मांग नहीं की, हिंदुओं ने देश की अलग मांग नहीं की, बल्कि कुछ मुस्लिम नेताओं ने देश की अलग देश की मांग की। सभी मुस्लिमों ने मांग नहीं की, बल्कि कुछ मुस्लिम राजनेताओं ने जिनका अपना पर्सनल एम्बिशन काफ़ी हाई था, वे किसी भी कीमत पर देश का विभाजन करना चाहते थे ताकि वो सत्ता में बने रहे। और बड़े अफसोस की बात है कि भारत इस त्रासदी से गुजरा और इस तरह भारत का बंटवारा हो गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। और दोनों मिलकर बहुत अच्छा मुल्क था हमारा हिंदुस्तान, जब दोनों मिले हुए थे, लाहौर से लोग बम्बई आते थे, बम्बई से लोग लाहौर जाते थे। और कितने ही हमारे यहाँ लोग हैं जो पुराने, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके कितने रिश्तेदार वहाँ हैं, उनके कितने रिश्तेदार यहाँ हैं, लेकिन सब कुछ हमें हमारा टूट गया और आज़ादी क्या मिली, भारत को बांट दिया गया और हम दो टुकड़ों में बट गए। उसके बाद भी अंत नहीं हुआ, फिर बांग्लादेश का जन्म हो गया। तो इस तरह से हमारा देश बहुत बुरी तरह टूटा पड़ा है। तो इस समय सबसे मुश्किल होता है कि देशभक्ति की भावना कैसे पनपेगी। देशभक्ति की भावना तभी पनपती है जब देश का राजनेता सही संदेश देता है और कर्मठता से सख्त कदम उठाता है। केवल अच्छी बातें कहने से नहीं होता है, आप अच्छे वक्ता हैं बहुत अच्छी बात है, ये आपकी क्वालिटी है, लेकिन अगर आप देश के लिए, एक कॉमन मैन, एक सामान्य नागरिक के लिए यदि आप नहीं सोचते हैं तो फिर आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कोई भी प्रधानमंत्री हो हमारे देश में। लेकिन क्या होता है कि हमारा एक संविधान है, प्रधानमंत्री को हमें पूरा सम्मान देना चाहिए। इसलिए कितने लोग गाली गलौज करने लगते हैं, ठीक है, मैं समझता हूँ अंदर का जो क्रोध है, जो गुस्सा है, अंदर का उफान है, वह बाहर आता है। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हम जिस संस्कृति की बात करते हैं, भारत की संस्कृति, तो संस्कृति हमें ऐसा करने को की इजाज़त कभी नहीं देती। इसलिए सम्मान अपनी जगह है। यदि आप डिफर करते हैं, यदि आप अपने ढंग से सोचते हैं, तो आप अपनी बातें कितने ही माध्यमों से, सोशल साइट्स के माध्यम से आप कह सकते हैं, अखबारों, न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अंग है, उसके थ्रू आप अपनी बात कह सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कितने ही राजनेता हुए, गांधी हुए, नेहरू हुए, बोस हुए, पटेल हुए, तो जब भी कांग्रेस सत्ता में रही तो बड़े अफसोस की बात है कि बोस को भुला दिया गया, पटेल को भुला दिया गया। पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधा था, लेकिन पटेल साहब को नहीं पूछा गया और कांग्रेस को जो मन में आया वह करती चली गई। और ये पारिवारिक जो विरासत है, उनकी जो मानसिकता बनी हुई है कि यदि हम सत्ता में नहीं हैं तो हम कहीं नहीं हैं, यह सबसे खतरनाक है। आप सत्ता में बने रहिए, लेकिन लोगों के सपोर्ट से, लोगों के सहयोग से आपको सत्ता में बनने का अधिकार मिलता है। लेकिन अगर लोग
आपको नहीं चाहते हैं तो आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप भले ही कितनी देशभक्ति और देश सेवा की बातें कर ले, लेकिन सब बेकार बातें हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर यदि उसे सत्ता मिलती है तो वो ये सारी बातें कर सकता है। तो ये परिवार का जो शासन हमारे देश में रहा है वह सबसे खतरनाक रहा है, और इसीलिए कांग्रेस में ही आप देख लीजिए, यदि आप खुले मन से सोचिए तो राहुल गांधी या सोनिया गांधी या जो परिवार है उसके खिलाफ कोई भी बोलेगा तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं जो बहुत ही कर्मठ हैं, लेकिन उन्हें बगल कर दिया गया है ताकि एक खानदान की बपौती रहे भारत के शासन में। तो ये सबसे खतरनाक है। बहुत सारी पार्टियां हमारे देश में हैं जो अपने ढंग से उसके राजनेता सत्ता में आना चाहते हैं। मैं किसी एक को नहीं कहता, बल्कि इन सभी दलों की जिम्मेदारी होती है कि देश के प्रति वो अपने समर्पण, अपने सच्चे समर्पण की भावना दिखाएं, यह जरूरी है। और एक और बात है कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश एजुकेशन जो ब्रिटिश लेकर आए, तो इंग्लिश एजुकेटेड जो लोग होते हैं उनका एक अलग माइंडसेट अफसोस है कि हो जाता है। उनमें से कुछ ही लोग हैं जो सच्ची देशभक्ति की भावना से भरे होते हैं, नहीं तो वो एक एलीट क्लास पैदा करता है, वो एक अपर क्लास पैदा करता है। वो सोचते हैं कि हम लोगों से ऊपर हैं। तो ये सबसे खतरनाक बात है और ये नासमझी है, क्योंकि इसमें परिपक्वता की कमी झलकती है। जब देश होता है तो फिर भाषा कोई मायने नहीं रखती, इसीलिए हमें देश के संदर्भ में सोचना चाहिए। हमारे यहाँ कितनी ही भाषाएं हैं, और सबसे ज़रूरी है कि हमारे देश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें उत्तर या दक्षिण या पूर्व या पश्चिम, इनकी भाषाओं का भी समावेश होना चाहिए ताकि भारत को एकता के सूत्र में बांधने की हम बात कर सके, और एकता की भावना को इससे बल भी मिलता है। और उसके बाद हमारे यहाँ जो संविधान निर्माता हुए B.R. अम्बेडकर, तो B.R. अम्बेडकर को कितने वर्षों बाद भारत रत्न से नवाजा गया, लेकिन इसमें इतनी देर क्यों हुई? तो सबसे बड़ी बात है कि हम कितना भी एजुकेशन की बात कर ले, क्वालिफिकेशन की बात कर ले, लेकिन माइंड में जो ऐसा बना हुआ है, अब हाई और लो की जो मानसिकता बनी हुई है वह देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए हिंदी एजुकेशन या रीजनल एजुकेशन लेकर जो आते हैं उनको इंग्लिश एजुकेटेड थोड़ा अपने से नीचे देखते हैं, तो यह गलत बात है। भाषा भाषा होती है, और हमें एक होकर यदि आगे बढ़ना है तो हमें भाषा की संकीर्ण मानसिकता से ऊपर निकलना पड़ेगा। पहले हमारा देश है, और देश है तो हम हैं। जब देश ही देश के बारे में हम नहीं सोच सकते तो क्या चीज़ के विषय में हम सोचेंगे? तो इसीलिए यह ज़रूरी है कि हमारे देश में जो राजनेता हैं वो अपनी कर्मठता का परिचय दें। और आजकल तो पैसे की हवस ऐसी चल पड़ी है कि पैसे के आगे कुछ भी नहीं देखा जा रहा है, और यूज़ एंड थ्रो वाली लाइफ हमारी होती जा रही है। क्योंकि हमारे रिश्ते भी जो है, जिस संस्कृति में पलकर हम बड़े होते हैं, वह संस्कृति हमें इजाज़त नहीं देती कि हम प्रेम को बगल कर दें और पैसे की हवस के पीछे भागकर अपने सारे रिश्तों को तोड़ दें। और आजकल इंसान भी जो होता जा रहा है भारत में, विशेषकर क्योंकि मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो यूज़ एंड थ्रो वाला रिलेशनशिप हमारे देश में डेवलप कर रहा है। जिससे काम है उसे सटाना है, जिससे काम नहीं है उसे हटा देना है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने देश के विषय में कह सकते हैं। और अभी हमारा देश टूटा पड़ा है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो ये सारी बातें जो हैं, ये हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं उन्हें भी इस विषय पर सोचना चाहिए। एक हिंदू किसी धर्म के बारे में अगर बोलता है या निंदा करता है तो यह हिंदुत्व नहीं है। और यदि कोई मुस्लिम भी इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्मों की निंदा करता है तो वह सच्चा इस्लाम नहीं है। तो हर धर्म की अपनी संकीर्णता है, और मैं कहूँ कि धर्म की संकीर्णता नहीं है बल्कि व्यक्ति को अच्छी समझ नहीं है अपने धर्म की। इसलिए हमें धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है, और हमें देखना है कि हमारे रिश्ते कितने अच्छे हो सकते हैं, हमारे में मानवता की भावना कितनी है, ताकि हम एक दूसरे से मिलकर रहें। तभी हमारा देश प्रगति करेगा और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे।
तो इन बातों के साथ मैं विराम लेता हूँ और अगले वीडियोस में दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद मैं हमेशा करता रहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।